पंडित जी ने कही अरे करगंडा टीन में थारी बस्ती गई पर तेने मोहतर को आ नहीं जानो सोई कन्हैया ने मोह पहुंच के ओके बाबा मैंने ते थारी में तो तेरे को बनना काम नहीं को ना सही कह रहे हो हैं साचा थारी के तो कौन वाले मैं तरिया कह रही हूँ मैंने बंद कर दो कमरा में हैं और जेड़ बिलाने का बारे बात तीन बेरे की थारी बिलाने का भाई मुंह में खीर भर रही है कागरों को मैंने बोला अरे मैं बोलिए पंडित ने फटकार लगाई कर दी भगवान ने देखी तो भाई मैया उठ के ना आई तो पंडित जी मुंह ही दिखाई दी बाबा हाँ मैं मुंह खोल लो और तुम्हें अगर एक खीर बच्चा मत दिख रहा इधर और ताई घर कान पकड़ पंडित की जसोदा ठीक कह दी यहाँ करूँ बहुत है और देख लो मुंह में खीर भर रही है उजब का झूठा बराबर बूढ़े आदमी सो जो भगवान ने मुंह खोला पंडित जी माओ और पंडित जी ने चश्मा में तो बड़ा बड़ी आंखें करी भीतर दीखो का अरे जाकर ना मुंह को खोल दियो और सुतना उते छोटा है और बाजी को यशोदा मैया उठ के आई ऐसा भागवत में लिखा है कि भगवान जब जब माया का खेल अपनी माँ को दिखाते थे तो मेहतारी को तुरंत ही भगा देते थे कि अगर मेरी मैया जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना है जी ब्रह्म है तो फिर बेटा जैसे खातर नहीं करेंगे यशोदा भूल गई बाबा चलो चौके ही ने खा लियो भीतर जिना खान दियो यशोदा अब भोजन खाऊंगा तो जाई को झूठो यशोदा ने की ऐसा तो ना चलम फिल्म पिए तो अब अभी चिल्ला रहे हैं झूठो कर दो ना खाऊंगा वो अब कह रहे हो झूठो कर दियो तो खाऊंगा यशोदा तुझे पता नहीं है मैंने खूब जान लिया है क्या तेरे बेटे का झूठा पूरा संसार खा समझ गया यो ब्राह्मण थे कि मैं बार बार ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं तो असल में ठाकुर भोजन रखवा के भोग लगवा के असली ठाकुर पर ब्राह्मण देवता चले बोलिए गोविंद भगवान की अब कन्हैया नेक और बड़े भाई थोड़े से और बड़े भाई तुम्हें संगवाए सखा लगे रेंदा पेंदा झेंदा मनसुखा छदाम सब और क्या बात है तुम अभी देख लियो कब बड़े आदमी को बालक हो बाप ने रुपया ज्यादा रहे तो जेब में तो चाचा तुम्हारे सब पैसे लूट रहे हैं काय के दाएं कचरा तो टका तो कमा रहे हो इस वजह से तो सब संग लग गए पीछे आदत काय की परी चोरी की जा तो सब कहते हैं कि अहिन को तो मुखिया ही चोरी कर तो अहिन चो ना करेगा लेकिन चोरी की क्यों इसकी वजह भागवत में लिखी है भगवान ने चोरी क्यों की इसलिए की कि बाबा नंद के घर पे तो लाखों गाय बन रही थी किसी चीज की कमी नहीं थी लेकिन यार ही गिनती जुड़ गई फटे पजम्मा मानू थे मठाऊ नाव भरे
अब पीछे टाड़ो ढोले सवरो कन्हैया ने की चिंता मत करो यार, ही जोड़ी है जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत कौन भूमि पर रहता है पीछे। तो चोरी की अपने मित्रों की खातर, अपने सखाओं की खातर, और आदत का ही पड़ी माखन चोरी की। मक्खन खाते थे तो पहले घर में किवान ना लगते, साकन ना लगती, आज को छोड़ दिए जमाले, सो चार घर में घुस जाए ताई घड़िया मलड़िया फोरन माखन खाम और निकल जाओ, जो घर घर में गागर फूटी साकन लगी, चादर बच्चे में जाता ही साकन लगी मिले। बहना ने की कन्हैया बच्चों आपको तो खाली को ये कथा जो प्रसंग में बता रहा हूं बच्चों तुमने देखा होगा जो दूरदर्शन पे टीवी पे कृष्णा धारावाहिक आया था एक कार्टून में, वो बिल्कुल सेम ही वही है देखा होगा तुमने। तो जब पे पांच चले रैना पैदा मनसुखा छदानियों कन्हैया, अब चार दरवाजे में नजर करे ताई बसाकर लगी मिले, उनकी भैया ऐसा करे आज चालंगा तो तुक्का बैठ रहा है कि तो कि तू मे मोहल्ला में होने चले पड़ना कि चल। जो दूसरी तरफ गए एक ग्वालिनी हमारे केसी की मम्मी बार दरवाजो खुलो छोड़ के और गई चार डाल में गई, पांचों गई मर रहा है भीतर दाड़ तो टकरे परी छी पर कन्हैया ने गिरा ऊंची है तो करे ना कि तू घोड़ा बन चढ़ सुन रहे हाथ धरती में धरवा गोड़ी बना लो और पीठ में भगवान चढ़े का गप्पा हुआ बनाया पहना कि तू जाके ऊपर आ जा एक के ऊपर एक करके चार घोड़ा बना दे और पांच में श्याम सुंदर चढ़ गए सोई कागज पकड़ ली नशेरी बना दी यार उनकी और वे काय कमा डंडा बने ठाड़े मारे में गए मत एक और निंजा है जाके लालच में और जो कागज पकड़ी कन्हैया ने तो कागज तो ताबे नहीं पकड़ ले और काट खोल के लगा दो ना सबत नीचे और रहना सो रहना ने कही के भैया कांटे खुली ना है मैं वो भैया करनी लग रही है ने सदो रही है तो जो तो देख रहे हो पत मत तक हो हैं मोए का ज्यादा दे दे हुए भगवान तो खाड़े थे माखन अब चार घोड़ा बने ठाड़े ग्वाल नहीं आगी तर बच जो बार भीतर की आवाज सुनी अरे कोई ना में ए लगे मज्जा लाने के सब टाड़ो पर जो जा गोकुल में देख लेंगे एक बार खुली छोड़ दी ताई का लापरे भीतर सो कन्हैया तो चपटे माखन बाबे चारो सुनने भौका अरे ध्यान जब ग्वाल ने थी जोरा जाओ तो जेऊ तो देखो जाके पट्टा मारे के नाम से पैसों अरे का
जो एरी की जो भाषा है ये ब्रज भाषा है। कुआरी बाल लेकर के आजा, नो कहतम बे काऊ के जाती ना है और चत्यो इकड़ा हो तने का सेनु का जा सब काम का टाड़े खेच डो रो संग ए काऊ का आगा साहब तुम्हारे घर में जसोदा ने की ने पकड़े रही मैं डंडी उठा जाओ रोज नाक में दम करते ही जाने भाई लाख रुपया बन रही है घी की कमी ने दूध की कमी ने तो रोज उठानो घर पे आ रो है। जसोदा ने डंडी उठाई भगवान ने की सुनना रही तुम्हारी साथ छोटे बहुत मारे तीन रात और तीन नाराज है मुझे गोली उड़ा रही छोटे हो वाली और इतनी मन में खुशी है कि आज जैसे जैसे पकड़ पाओ है ए भैया कान पकड़ गाड़ी को ऊपर कर देखो नीचे कर दे चाकन झटका मार रही है जसोदा ने की पकड़ रही है छूट बात हाथ नहीं आवा जो दूसरे दरवाजे पार कर गई भगवान ने की सुनना नहीं अब ही छोड़ दो छोड़ दो मान जा मैया मो बहुत मार रही तोरे करगंडा जाई पेड़े में तो मैं देख के ऐसा उले हो तुम है तेरे सबई काम नाथ के तक 2150 बना के बालक ने जो यशोदा तीसरे फाटक पे आई पकड़ रही है डंडी डाल रही वालनी कह रही है बोले आप तेरा बच्चा भैया कोई है और इकेला इकेला होता है जिसकी यह सब काम तो रोते समय छोड़ दे अंतिम बार कह रहा हूं अब छोड़ दे बिल्कुल नहीं बिना पिटवा श्रोता बंधु इतने तो कान में हाथ लगाई और इतने जसोदा माँ देख रही है जल्दी जल्दी और चालन का बहुत ताकि नजर अरे हरिणी माया फैलाई भगवान ने कही मार
पिटवा ना रही अब ना बंधवाई रही वो बेटा मुझे मरे भी उठा ना ये छोटे से हमारे मयंक बाबू हैं ग्राम कुसैत से 100 रुपए की हर माला दी है परमात्मा लंबी आयु देता रहे धन्यवाद भगवान को दया आई वो ही अपना रूप बनाया तब कही यशोदा ओ मैया देख ले तो अब पेचनो ना तेरा अच्छा भाई गई ना यहाँ पे ये मैया आवे एक बेर और लेकर आ बस जो यशोदा आई और बाहर कन्हैया ही दिखे खड़े भाई सही पकड़ चल जो तक बांध के पिटे हो ना है और तो तक क्यों माने ऊखल खड़ा था दरवाजे पर सुबह ऊखल के जोर कन्हैया खड़े करे रस्सी उठाई और कमर में चक्कर मार के गांठ गई तो आम छोटी रही और रस्सी जोरी फिर गांठ गई तो आम छोटी रही जितनी रस्सी अति